तो आज जहाँ पर मैं आया हूँ बहुत ही फेमस जगह है, नदरी के फेमस पकौड़े। और इनकी शॉप है लगभग 60 साल से ज़्यादा हो गए, मतलब जब आप भी बहुत छोटे होंगे तब से आप लगा रहे हो। हाँ, तब से बहुत। इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाते थे और अब इनके बेटे बनाते हैं और इतने टेस्टी और जायकेदार हैं कि मैं खींचा चलाया। इनसे बात करते हैं। हमारा नाम है रामपाल सक्सेना, लेकिन दुकान की जो है वो फरखाबाद के भुइया कचौड़ी वाले के नाम से मशहूर है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ सक्सेना जी की शॉप पर, जहाँ पर आपको हर तरीके के पकौड़े मिल जाएंगे जो आप खाना चाहते हैं। मौसम इतना सुहाना है तो पकौड़े तो बनते हैं, लेकिन चाय मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपको जाके पता चलेगा, पकौड़े ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं उनकी शॉप पर। ये जो इनकी शॉप है वो सक्सेना फूड स्टॉल के नाम से फेमस है यहाँ पर, लेकिन स्पेशली जो इनका नाम जाना जाता था पहले वो है गुइया कचौड़ी वाले, यानी कि फरुखाबाद के गुइया कचौड़ी वाले। चलिए फिर बात करते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? अरुण सक्सेना। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो क्या क्या तैयार करते हो आप? यहाँ से दाल के, प्याज के, आलू के, मिर्च के, पनीर के, पालक के, गोभी के। अच्छा, आप सभी प्रकार के पकौड़े मिलते हैं हमारे पास। फेमस है आपके पकौड़े, हम तो इसलिए आए थे। तो इतने फेमस क्यों है, क्या क्वालिटी देते हो आप यहाँ के? अब वो तो आप ही लोग बता सकते हो, लोगों का प्यार बता देगा। अच्छा, ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? लगभग 60 साल। हम पैदा नहीं हुए थे जबकि हमारी दुकान हमारे पिताजी लगाते थे। अच्छा अच्छा, अभी इतनी सारी भीड़ आती है आपकी शॉप पे, क्या राज है इस भीड़ का? हर चीज में क्वालिटी मिलेगी, बढ़िया टेस्ट अच्छा मिलेगा, प्योर चीज मिलेगी, हर चीज प्योर मिलेगी आपको यहाँ पे। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी तो ये इतना प्राइस है, जब आपने स्टार्ट किया होगा तब कितने पैसों का मिलता था? तब तो बहुत कम में, मैंने 4-5 किलो, ज्यादा 4-5 किलो। और क्या प्राइस देते थे आप तब? हाँ? कितने पैसों का देते थे? तब तो कम से कम जो है हम 3 रुपया का 100 ग्राम बेचते थे। अच्छा। उसके बाद 10 रुपया, 5 रुपया का 100 ग्राम हुआ, फिर 10 रुपया का 100 ग्राम हुआ। अच्छा, तो आपने कहीं से सीखा था या खुद बखुद? नहीं, मैं खुद से, मतलब खुद से अपने आप से नॉलेज से। अरे बहुत बढ़िया, तो अभी तो ये बहुत सारा सामान मिलता है आपके यहाँ पे, क्या क्या है इसमें? अब इसमें ब्रेड पकौड़ा भी मिलता है, समोसा भी मिलता है, मिर्च के भरे मिलते हैं, प्याज के मिलते हैं, आलू के फिंगर मिलते हैं, आलू सादा मिलते हैं गोल वाले, और दाल के भरे मिलते हैं, समझे। अच्छा, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी, कितने लोग आ जाते हैं खाने यहाँ पे? इसमें कोई गिनती नहीं है, पूरी सब्जी की ज़्यादा भीड़ होती है सुबह के टाइम। अच्छा, लगभग फिर भी कितने लोग आ जाते होंगे? 200-400 आदमी। वैसे मुझे लगता है तो ज़्यादा ही आ जाते होंगे। ज़्यादा आ जाते हैं, समोसा वगैरह को सबका। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की उसके लिए, और इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, आप बनाते रहिए। बहुत बहुत। टाइमिंग है यहाँ का? 6 बजे से शाम को 9 बजे तक। सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक। अच्छा, एक बार नाम और बताइए, आपने बड़ा प्यारा नाम बताया था, किस नाम से मशहूर हैं आप? गुइया कचौड़ी वाले, फरुखाबाद के फेमस। फरुखाबाद के गुइया कचौड़ी वाले, दुकान का नाम है। अच्छा, दुकान का नाम है। अच्छा, कितना सामान बनाते हो? ये बहुत सारा सामान, कितना किलो आप? किलो हम 160 रुपये किलो बेचते हैं। किलो किलो नहीं, कितना सुबह से कितना आइटम, कितने वजन का बनाते हो? 50 किलो तो मान के लोगों पर भी निकल जाता है हमारा। अच्छा, डेली? हाँ, डेली का। चलो बहुत बहुत बढ़िया, इतना टेस्टी आप बनाते हो, बनाते रहो, और हम तो आते रहेंगे, खाते रहेंगे। और जगह का नाम बताइए, कौन सी जगह है ये? नदरी चौराहे, बालाजी की दुकान के बगल में, एटीएम इंडिया एटीएम के नीचे। अच्छा अच्छा, यही एटीएम है? इंडिया एटीएम, बालाजी। अच्छा।
चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए। बहुत ही टेस्टी यहाँ के पकौड़े हैं, पकौड़े ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे मिलती हैं, ब्रेड, मिर्च, पनीर, जो भी मिलता है बहुत ही टेस्टी है। अगर आप नहीं आए हैं यहाँ पर तो आइए और हमें कमेंट करके बताइए क्या आप भी गए यहाँ पे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।